नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों जहाँ पर हम आए हैं, इस वीडियो को कुछ मतलब वीडियो की मत करिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह होने वाली है। दोस्तों हम फिलहाल अगर बात करें तो एक यूनिवर्सिटी है जो कि हमारी विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जिसको नालंदा के नाम से हम जानते हैं। यहाँ आने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ही ज़्यादा इतना मतलब मन था कि घूमने का, यहाँ बिहार आके नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ज़रूर ही जाना है मुझे। चलते हैं अंदर, टिकट भी ले लिया है, अब आगे जैसा भी होता है आपको दिखाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है यहाँ, वही पुराना मतलब तो जहाँ भी जाओ जैसा भी जाओ, मतलब कहीं भी दीवारों का हो कहीं भी ना हो, सब बात करें तो भाई इनमें जो ये लोगों की लव स्टोरी होती है ये जरूर लिखी होती है। हम भी सोच रहे हैं हम भी लिखें, सब लोगों तो नहीं लिखा है, हम भी लिखें, लेकिन अपनी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं तो लिखेंगे किसका। दोस्तों अगर बात करें यहाँ कमरे की, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा कमरे थे, लगभग बताते हैं कि 8-3 बड़े कमरे और 3 से छोटे कमरे। और बात करें तो यहाँ हॉस्टल भी था और खाने पीने का जो प्रबंध था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, मतलब यहाँ किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था, सब कुछ निःशुल्क होता था, चाहे वो खाने को हो, चाहे वो रहने को हो, या पढ़ाई को। और बाकी जो इसका इतिहास है, हम आपको चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर, फिर आपको यहाँ का पूरा इतिहास आपको बताते हैं पूरी वीडियो में। अब खिलजी से पहले यहाँ भी, उससे पहले भी यहाँ 2 युद्ध हो चुके हैं, युद्ध जब वो युद्ध हुए थे उसके बाद कोई फिर से डिफील्ड मतलब फिर से बनवा दिया गया यहाँ पे, तो जब बख्तियार खिलजी ने कराया था युद्ध मतलब आक्रमण कराया था, तो पूरी तरीके से ये ध्वस्त हो गया था। अब देख सकते हैं कुछ ऐसा ध्वस्त होने के बाद आपको दिख रहा होगा। देख सकते हैं ये बहुत मतलब जितना हमें राजगिरी में घूमा सबसे बेस्ट प्लेस हमको नालंदा यूनिवर्सिटी की, मतलब बहुत ही पुराना। चलते अंदर, यहाँ देखते हैं कैसे क्या बना हुआ। अब देख सकते हैं ये जो ईंटें थे, ईंटें भी डल चुके हैं, ये सब कंक्रीट का रूप ले चुके हैं धीरे धीरे। यहाँ का क्या हिस्ट्रिकल है मतलब यहाँ क्या इतिहास है, वो आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। दोस्तों यहाँ तो ऐसे गुफाएं हैं, देखते ऐसा लग रहा है हम खो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाए किधर जाए, यहाँ से लग रहा है कि खो जाएंगे, मतलब बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। ये अभी भी यहाँ देख सकते हैं, ये जलने का क्या रीजन है हम आपको वीडियो में, जो ये जलने का रीजन जो है वो आपको वीडियो में हम आगे बताएंगे। भैया मुझे तो राजगिरी में सबसे बेस्ट प्लेस जो लगा है वो नालंदा यूनिवर्सिटी लगी है, और से जरूर इसके यहाँ खंडहर रूप में बचे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। बात करें यहाँ की दीवारों की, तो मैंने भी नेट में सर्च करके देखा, तो यहाँ की दीवारों को जो दिखा रहे कि यहाँ की दीवारें इतनी मोटी हैं कि यहाँ तक ट्रक भी निकल सकते हैं इनकी दीवारों से। काफी बेस्ट प्लेस है। बात करें बख्तियार खिलजी की, तो बख्तियार खिलजी ने ही इसको मतलब इस पर बख्तियार खिलजी ने ही इस पर अटैक करवाया था। बात करें अटैक क्यों करवाया था, जैसा मुझे पता चला है कि वो एक बार बीमार हो गया था, काफ़ी टाइम से मतलब बीमार था काफ़ी ज़्यादा, तो उनके जो आचार उनके जो वैद वगैरह थे वो उनकी दवाओं से नहीं ठीक हो रहे थे, तभी इसी यूनिवर्सिटी के राहुल अनुजाचार्य जी ने को बुलाया गया, क्योंकि वो काफ़ी बड़े हकीम वैद के रूप में माने जाते थे, तो इनको ले के पत्ता खिलजी के यहाँ ले गया गया और उनसे दिखाया गया, तो उन्होंने बताया कि बख्तियार खिलजी की कुछ शर्तें ये थी, वो किसी हिंदुस्तानी दवाओं का सेवन नहीं करेंगे, तो बताएंगे हिंदुस्तानी दवाओं का सेवन नहीं करेंगे, तो
उनको जो हकीम थे अशोक जी, उन्होंने कहा ठीक है आप मेरी हमारे आपके शर्तों का मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप भी मेरी शर्तें मानेंगे। तो बख्तियार खिलजी ने पूछा कि आपकी क्या शर्तें हैं, तो उसने बताया कि मैं आपको एक कुरान दूंगा, उस कुरान को आपको रोज़ पढ़नी होगी। तो बख्तियार खिलजी ने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। तो बख्तियार खिलजी ने कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा। तो हुआ क्या कि जो वैद्य जी थे अशोक जी थे, उन्होंने उसी कुरान में दवा लगा दी थी, जिससे बख्तियार खिलजी जब उसको पढ़ता था तो जो फूंक लगानी उसी सहारे से उसके पेट में वो दवा चली गई, तो वो काफ़ी ठीक हो गया। तो बख्तियार खिलजी के मन में एक विचार आया कि मेरे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा यहाँ कैसा ही क्यों है, वैद्य ठीक कर पाए, मेरे वैद्य क्यों नहीं ठीक कर पाए। तो ऐसा उनके मन में विचार है, बस उसी विचारधारा के आक्रोश होके उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक कराया। यहाँ जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी में आग लगवा दी, तो वो आग लगना माना जाता है कि 3 महीने तक